हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का सीन ये है गाइस कि आज तुम्हारा भाई पता कितने बजे उठा? 9 बजे भाई। सच में अभी भाई मैं आज कल बहुत लेट उठ रहा हूँ, क्योंकि यार रात में एडिटिंग भी करनी होती है, तो एडिटिंग की वजह थोड़ा सा लेट उठता हूँ, क्योंकि 1-2 तो बच ही जाता है एडिटिंग करने में। गाइस आप लोग ये भी सोचोगे कि भाई कल व्लॉग क्यों नहीं डाला था। व्लॉग का सीन ये है गाइस कि अब मेरा आर्ट्स में आ रहे हैं डे टू डे, तो मैं प्लीज़ यार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे आर्ट्स में जल्दी से जाओ, फॉलो करो। एंड गाइस ये भी सोच रहा हूँ कि यार अब आर्ट्स में धमा के धार भाई कुछ ना कुछ तुम्हारा भाई बनाया जा रहा है, तो यार प्लीज़ आप लोगों को करना है क्या, लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करता है। यार आज का मौसम पता है कैसा हो रहा? देख सकते हैं पूरी धूप ही धूप हो रही है गाइस, ये देखो आप, धूप ही धूप हो रही है अभी फ़िलहाल। चलो हाथ वात होते हैं और फिर नाश्ता करके फिर बनाते हैं स्केच। चलो फिर। सो गाइस अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बनाऊँ क्या, तो स्केच बनाने का सोचा था, लेकिन अभी उसमें स्केच में भी कुछ अलग आर्ट वर्क करता हूँ, तो मैं भी आज सोच रहा हूँ कुछ बर्ड्स टाइप का कुछ यूनिक करता हूँ। एंड अभी देखो यार क्योंकि बारिश का बहुत वाला सीन हो भी रहा है, तो अभी मौसम भी हल्का हल्का बन रहा है। अभी हल्की हल्की बारिश के बूंदे तो पड़ी, लेकिन मैं सोचा था कि अभी मुझे कहीं जाना भी है, तो उसके लिए भी अभी निकालना है। सो अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी फ्रेम बनाने को दिया था, तो वो फ्रेम अभी मैंने भैया से कॉल करी, तो भैया कह रहे थे बारिश हो रही है, दुकान भी नहीं गए हूँ, तो वो कह रहे थे वैसे बन तो गया हल्का हल्का, आप देखना। आज का सीन ये है कि बन गया हो तो सही है, क्योंकि मुझे बहुत सही लग रहा था वो फ्रेम। अभी एक चेक करते हैं कि अभी मैंने एक बर्ड का सोचा हूँ वो बनाते हैं, तो वीडियो में बने रहो, तब तक देखते हैं कुछ बनाते हैं। सो गाइज मैं आप लोग को दिखा दूँ, मैंने एक यहाँ पर लगा दिया है मदर टेरेसा की, एक मैंने अपनी पिक्चर एक यहाँ लगा रखी है। अभी फ़िलहाल मैं ये भी देख रहा था कि यार मैंने भाई अपने बचपन के मतलब क्या क्या मतलब मैंने क्या क्या करतूतें कर रखी बताओ यार। ऐसे 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 तुम्हारा भाई बनाता था ये बचपन में, मतलब कलर का तो तुम्हारे भाई का शौक ही मतलब ऐसा था ना यार कि ख़त्म हो गया एक टाइम से, तो मतलब ये मतलब मैंने ये बनाया था, इसमें भी पता नहीं कौन आया होगा उस बच्चे ने, उसने ऐसा कर दिया, मैं तभी मम्मी लोग को नहीं दे। लेकिन गाइस ये पुरानी यादें हैं यार, बचपन की यादें बहुत है कि देखो तुम्हारे भाई को वेरी गुड मिलता था भाई, ऐसे ऐसे थे। मतलब मैंने मतलब ये बुक क्या मेरे होगी कम से कम LKG UKG की होगी पता है, ये अब मिली मुझे, पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख रखी थी। मम्मी कह रही तेरी एक बुक भी है, तो मैंने देखा तो मैंने या मेरी ये पुरानी बुक, कुछ ये है मेरी बुक ये भाई, इसको लेने के लिए तो मेरी मम्मी ने कैसे लड़ गया था मैं इस बुक के लिए। फिलहाल मेरे कुछ मतलब डिसाइड नहीं हो रहा कि क्या बनाऊँ, क्योंकि देखो अभी क्योंकि गर्म भी हो रहा है, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो उमस टाइप की आप लोग को तो पता ही है उमस टाइप की हो जाती है, एंड भूख भी लग रही है, सुबह उठ भी गया था भाई तुम्हारा। और अभी फ़िलहाल मम्मी से पूछते क्या बनाया, तो अभी फ्रिज में देखते हैं क्या बनाया है मम्मी ने। मुझे लग रहा है मम्मी ने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, लो भाई चावल है एंड क्या है यहाँ पे, कुछ तो होगा ही मुझे लग रहा है। ओहो मुझे लग रहा है ओहो न्यूट्रिला की सब्ज़ी है। गाइस आप लोग को तो मेन चीज़ दिखाना भूल ही गया, मेरे फेवरेट चीज़ें आ रखी हैं पता क्या, थोड़ा गैस करो ये भाई, थोड़ा मुझे बताना कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या है ये बताओ, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। फिलहाल अभी इसको खाते हैं भाई, मेरा फेवरेट है, बहुत से मंगाया था मैंने नानी लोगों से, एंड मैंने बोला था कि लेके आना ज़रूर, और भाई ये तो मेरा फेवरेट ही है, तो चलो इसको खाते हैं, और अभी भूख भी लग रही है, चलो फिर। गाइस इतना यमी हो रहा है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि क्या है, कौन सा फ्रूट्स है, और इतना मस्त लग रहा ना सच में, अमेजिंग टेस्ट है यार सच में। मुझे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में से एक एप्पल अच्छा लगता है, एक ये भाई ये तो मेरा फेवरेट है, बाकी फ्रूट्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना बनाना ना अंगूर, ग्रेप्स तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो ये चीज़ और एक एप्पल ये मेरा फेवरेट है। उत्तराखंड की सबसे मेन चीज़ तो ये होती है भाई, और एक एप्पल, मतलब एप्पल तो आप लोग को तो ऑब्वियसली पता है, बाहर कहीं जाओगे तो सब जगह आप लोग को मिल ही जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ना भाई कहीं नहीं मिलेगी। एंड बाहर कुछ ऐसा मौसम हो गया, देख सकते हैं धूप स्टार्ट फिर से,
क्या यार। तो गाइज ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी, मैं आपको पता नहीं, मैं ईगल बना रहा हूँ, ईगल ईगल बना रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। एंड गाइज थोड़ा सा फनी मत लग रहा होगा तो प्लीज़ यार इग्नोर कर लेना। अभी इसकी जो ये लेंथ है ना, इसको भी मैं पूरी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग ही रहा है। तो अभी इसको पूरा सब कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग वीडियो में बने रहना। सो गाइज ये कुछ ऐसा बना है अभी, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा पेंगुइन टाइप का लग रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ये है ईगल। लेकिन अभी इसमें पूरा शेडिंग होगा, जब शेड होने के बाद तो आप लोग देखना, बिल्कुल ही यूनिक लगेगा। ये मैंने सिर्फ हाथ से बनाया है ना, तो मैंने कोई मतलब उससे नहीं कर रखा है, किसी से बोल के नहीं कहा है कि भाई तू आके बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये खुद अपने हाथों से, भाई टैलेंट तुम्हारे भाई का हाथ में इतना है। तो अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। एंड गाइस आप लोग मुझे बताना अभी कि कैसा लग रहा है, एंड क्योंकि ये पहली बार मैंने आज फर्स्ट टाइम ईगल बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अभी चिड़िया वड़िया ऐसे कुछ चीज़ भी नहीं बनाई है। तो बताना मुझे कैसा लगे हो। तो गाइस तब तक आप टाइम लैप्स के मज़े लो। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, होए होए ओ चुरा के दिल। लोग को ये बताना मांग रहा हूँ, हम जब भी शेडिंग करते हैं ना, अभी आप लोग ये देखना, इस शेडिंग में थोड़ा हल्का सा फ़र्क होगा, लेकिन अभी इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो आप याली आउटलाइन देख रहे हो ना, ये पूरी आउटलाइन अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी अभी डार्क हो जाएगी। एंड ये हल्का हल्का मैं शेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें हल्का हल्का शेड है। एंड अभी आँख भी है, और आप ये भी देख सकते हैं पूरा, मतलब ये ईगल टाइप का पूरा मैं अभी बनाना मांग रहा हूँ। अभी देखना ये पूरा, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये पूरा अभी हल्का हल्का शेड हो जाएगा। आज जब भी मैं आप लोग को ये बता दूं, अभी आप लोग शेड करते हो ना, तो हमेशा पेंसिल ऐसे मत चलाओ, ऐसे हम ऐसे चलाते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं ऐसे। तो कभी भी आप पेंसिल ऐसे मत चलाओ, अगर हल्की शेड है तो हमें ऐसे चलानी होती है, जस्ट लाइक, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट हमेशा मतलब हल्का फील होता है, आप लोग देख सकते हैं। और जितने लोग होते हैं, मैंने इतना अक्सर देखा है आर्ट्स में, वो हमेशा ऐसे ऐसे चलाते हैं, ये थोड़ा गलत है। तो हमें ज़्यादातर अक्सर ये करना चाहिए ऐसे, जिससे शेडिंग अच्छी आए। एंड जहाँ पर डार्क साइड होती है, जैसे मैंने ये पार्ट डार्क है, ये मेरा पूरा पार्ट डार्क है, तो हमें ये पार्ट पूरा डार्क करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये हल्का हल्का डार्क होने लग गया, तो जस्ट लाइक फॉर हल्का हल्का सा ये आप लोग देख सकते हैं, ये हल्का हल्का सा ये शेड हो रहा है। तो अगर जहाँ किनारे किनारे में आप लोग को लगे कि वहाँ पे डार्क करना है, तो हम लोग ये डार्क कर सकते हैं। एंड वहाँ पे जहाँ आप लोग को हल्का लगे, तो उसमें इतना साइज, इतना मत पकड़ना गलती से, इतना मत पकड़ना, इतना साइज यहाँ तक, ये जो साइड होती है यहाँ से यहाँ तक, इतना पूरा पार्ट आप लोग को पकड़ना है। तो ये चीज़ पकड़ना, एंड ट्राई करते हैं एक बार फिर से। तो जस्ट लेफ्ट फॉर अस, तो ये है ऐसे, तो ऐसे करना पड़ता है हमें। तो ऐसे आप लोग भी सीखिए, अगर जो भी आर्ट में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे करना पड़ेगा आप लोग को। अरे मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं शेडो कर रहा हूँ, तो शेडिंग का हल्का हल्का सा फील हो रहा है। तो अभी इस पिक्चर में आप लोग बने रहना, बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो में लाइक करना। तो अभी चलो इसको पूरा करते हैं, फिर करते हैं बात। होए होए ओ चुका है दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ये थोड़ा सा मैंने अभी इसको मैं रफ करूँगा, तो आप लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सा इतना बढ़िया लगेगा ना, अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, ये पूरा इतना बड़ा पूरा कितना मस्त लगने वाला है। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक कर देना, और बताना मुझे कमेंट में भी कैसा बनाया। थोड़ा सही नहीं बनाया होगा, लेकिन बनाया मेहनत से है। आप लोग मुझे बताना ज़रूर कैसा लग रहा है आप लोगों को। एंड अभी इसको फिल करते हैं, तो फिर आप लोग बने रहना, चलो। तो गाइस फाइनली बन चुका है, इतना सही लग रहा है ना अभी वो, आप लोग देखना और वीडियो पूरी लाइक कर देना है। बहुत दिल से बनाया मैंने, बनाया बहुत सही लग रहा है, लेकिन यार थोड़ा सा अगर फनी लग रहा हो तो प्लीज़ यार उसके लिए प्लीज़ यार क्योंकि मैंने बहुत दिल से बनाया, हंसना मत कोई, अगर आप मेरी फैमिली हो तो प्लीज़ कोई नहीं हंसेगा।
लेकिन गाइस मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना करा, एंड जितना मैंने अपने हाथ से करा भाई, जितना मैंने सीखा उतना हो पाया मुझसे। आप सो गाइस, इस पेपर के पीछे कुछ है तो आपको दिखाऊं, थोड़ा एंट्री वेस में दिखाएंगे ना यार। आई होप गाइस आप लोग को हंसी आ रही होगी, लेकिन गाइस बना मुझसे जैसा, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो में लाइक कर देना। छोटा सा बनाया था मैंने, मुझे पता नहीं था बन जाएगा, लेकिन आज फाइनली बन चुका है ये, और इतना मस्त लग रहा है ना, मस्त तो लग ही रहा है। अपने हाथ का ही कला तो आप लोग को पता ही है, अपना एक बार ठान ली तो बनाना तो भाई तो आम बात है यार। सच में मुझे यकीन नहीं था कि मैंने ना माने मिली जो ये जो याद मिल के बाटे तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ही हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ अब तुम्हारे आस पास आ रही बरात करना इंकार बार बार देना साथ आ रही बरात करना इंकार बार बार देना साथ अब तुम्हारे आस पास। आई होप गाइज आप लोग को सिनेमैटिक्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो भाई मज़ा आ गया, देखो मुझे कितना स्वेटिंग हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ करना है क्या, लाइक कर देना भाई को, शेयर करो दबा के, एंड प्लीज़ कमेंट में बताना बनाया कैसा है, लेकिन दिल से बनाया यार प्लीज़ यार, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आज की वीडियो में जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया और यूनिक बनाएंगे, तो तगड़ा होने वाला, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, टिल देन बी सेफ, और करना है।